अब तक आपने देखा? यही है वो बच्ची गंगा, ये तुम्हारे मास्टर जी हैं। मास्टर जी, हलवा आपके लिए। कहा था ना मैंने, इतना खाएगा तो पेट तो खराब होगा ही। क्या हुआ टीचर को? कुछ नहीं भैया। कुछ मिला विला तो नहीं हलवे में? नहीं भैया, आप खुद खा के देख लो, खा लो, खाओ। तेरे पुलकित भैया को अच्छी चीजों की कदर ही कहाँ है। मामी, हलवे के लिए मना कर दिया, क्या हुआ? तुझे खाना है? ले ले। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खाना। अब आगे। हलवा खाने के बाद? हाँ दीदी, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है कि क्या बताऊं। जरूर महाराज जी ने ना कुछ मिला दिया होगा। प्रभा, महाराज जी ऐसा क्यों करेंगे? दीदी जान मुझ के नहीं, गलती से पड़ गया होगा। ये तो अच्छा है, पहले हलवा मैंने खाया, प्रिंस को नहीं खिलाया। अगर उस बेचारे बच्चे ने खा लिया होता तो उसकी क्या हालत होती। जितना दर्द मैं सहन कर रही हूँ उतना वो नहीं कर पाता ना दीदी। प्रभा सुनो, सबसे पहले डॉक्टर के पास चली जाओ, सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं होती। और हाँ, डॉक्टर जो कहेगा मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? डॉक्टर कहाँ कुछ कहते दीदी, ढेर सारी दवाइयाँ लिख देंगे, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, बेकार का खर्चा खड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। मैं रखती हूँ दीदी, गुड नाइट। ठीक। अब कौन सी मुसीबत ने घेर लिया प्रभा को? अम्मा जी, वो प्रभा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है हलवा खाने के बाद। पता नहीं इस बार महाराज जी ने कैसे हलवा बनाया। कैसे मतलब? जैसे हमेशा बनाता हूँ बहू जी, वही रवा, घी, शक्कर, मेवे। हाँ, मेवे कुछ थोड़े ज्यादा डाल दिए थे, पर आपकी भाभी जिद कर रही थी, और डालो महाराज जी, इतनी कंजूसी क्यों? उन्होंने मुट्ठी भर भर के खुद डाले मेवे, पूछो। कंजूसी? दोष महाराज जी का नहीं, तेरी भाभी का है। इतना भर भर के काजू, किशमिश, बादाम, मेवा खाएगी तो पचाएगी कैसे? तुम सबने तो खाया था ना हलवा, तूने, नीरू ने, बच्चों ने, किसी का पेट खराब नहीं हुआ। नाजुक करी क्या हो गया? कमाल है। मुझे पता है तुम दोनों में से किसी का काम है, सीधे सीधे मान लो वरना ये केस सीधा पापा के पास जाएगा। ओहो, मतलब मैं सही सोच रहा था। चलो गंगा बताओ क्या हुआ था शाम को, कम ऑन टेल मी। गंगा से क्या पूछूं भैया, उसने कुछ नहीं किया। वो मैंने मास्टर जी के हलवे में लेक्सिटी मिला दिया था जिससे गंगा को पढ़ाई से छुट्टी मिल जाए। लेक्सिटी? कहाँ से लाया तू? क्या भैया, मेडिकल शॉप में ही तो मिली, आपको भी खाना है क्या? शट अप, तू ऐसे किसी को भी कुछ भी खाने में दे देगा? तुझे पता भी है तेरी इस गलती की वजह से किसी को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी? तुझे तो सजा मिलनी चाहिए बच्चू। नहीं बोल रही भैया, सागर ने हमारे लिए ये सब किया है, हमें सजा मिलनी चाहिए। नहीं बोल भैया, गंगा ने कुछ नहीं किया, उसने तो मुझे मना किया था, ऐसा मत करो, मुझे सजा मिलनी चाहिए। वाह, क्या एकता है तुम दोनों में, कितना प्यार, एक दूसरे को बचाने के लिए खुद सजा मांग रहे हो। लेकिन आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अब अपने अपने कान पकड़ो और जो मैं कहता हूं रिपीट करो। आज के बाद
हम ऐसी शैतानी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब आओ नीचे। ये नहीं कहना था, चलो नीचे उतरो। गंगा, मास्टर जी तुम्हें पढ़ाने आए थे ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए था ना, और तुमने क्या किया? पहले दिन उन्हें भगाने का प्रोग्राम बना लिया, ऐसे भगा दे मास्टर जी को, पेट साफ करने वाली दवा खिला के। अरे मुझसे पूछ लेते, इससे अच्छा आइडिया देता। कॉफी, इस समय कॉफी पियेंगे तो नींद कैसे आएगी आपको? देर तक जागना मत भी, इसलिए कॉफी के लिए कहा है मैंने। कल से नए जज साहब चार्ज ले रहे हैं, और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी जानकारी मुझे ही देनी है उन्हें। तैयारी तो करनी होगी ना। कपड़े भी नहीं चेंज किया आपने, मैंने काल के बेड पे रख देती हूँ। अरे हाँ, मास्टर जी के साथ गंगा का क्लास कैसा रहा? वो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, जल्दी चले गए। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बड़ी अच्छी तरह से नाश्ता वाश्ता कर रहे थे वो तो। शायद वही कारण था उनकी तबीयत खराब होने का। पुलकित भैया, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। वैसी कितनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी, क्या हो रहा है? बेचारे पुलकित भैया, कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तुझे भी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इतना छोटा सा सारे हमरा, इतनी सारी पढ़ाई कैसे घुसेगी उसमें? सर फट जाएगा ना। एकदम बुद्धू है तू। प्लीज चुप रहो, प्लीज। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सागर तुम्हें हॉल टिकट लेने जाना है ना? ओह, मैं तो लाना ही भूल गया। और गंगा, तुम्हारे मास्टर जी का फोन आया था, कल पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए उन्होंने ABCD लिखने के लिए बोला है। 100 बार। 100 बार? वो तो बहुत होता है ना बाबूजी। ज्यादा तो होता है, इसलिए मैंने एक बार ABCD लिख दिया है। अब तुम देख के उसे उतार लो, ठीक है? लो, फटाफट शुरू करो, बहुत काम है। सांबर, वो कैसे लिखेंगे हम? कौवा फिर से चीची करने लगा है। कितना मुश्किल काम दिया मास्टर जी ने। अरे आराम से कर, कमर तोड़ेगी क्या? ना अम्मा जी, आराम से करो तो कहती है सुस्ती दिखा रही है, और जोर से करो तो कहती है कमर तोड़ देगी। अब बताओ भला हम करें तो कैसे करें? एकदम पटर पटर चलाती है, दिमाग नहीं चलाती। मैंने कहा था नरमी से कर। नरमी? अब अम्मा जी, हम नरमी कहाँ से लाएं? दिन भर कपड़े धो धो के बर्तन मांज मांज के हमारे हाथ खराब हो गए। बताओ भला हम नरमी लाए तो कहाँ से लाए? अम्मा जी अच्छा लग रहा है। अम्मा जी, हो गया तो हम जाए का, घर में बहुत काम पड़ा। हाँ तो जा, काम छोड़ कहे के गंगा को भेज। सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देगी, लेकिन
लड़की की मालिश में जितना मजा आता है ना, मेरी मेरी। लो, पूरे घर में मैं ढूंढ डाली और ये महारानी यहाँ छुप कर बैठी है। चल जल्दी से, अम्मा जी ने तुझे बुलाया है। मास्टर जी का काम कर दे, उसके बाद आ जाएंगे। बाद में नहीं, अभी जा, अम्मा जी ने तुझे अभी बुलाया। और तू हमेशा डांट खाने वाला काम क्यों करती है, जा अभी जल्दी से। इतना सा बचा है, आ रहे हैं। जो करना है कर, जब अम्मा जी डांटेंगी ना तब पता चलेगा। गंगा तुमने बुलाया अम्मा जी? कहाँ रह गई थी तू? वो मास्टर जी ने काम दिया था, वही कर रहे थे। पता, ये सब कॉपी पेंसिल, और देख ये जड़ी बूटी है ना, अच्छे से कूट के लेप बना और फिर तेल में मिलाकर मेरी पीठ की मालिश कर। टूट रही है मेरी कमर। और सुन, कूटते कूटते चौपाया भी बोलती जा। बहू, ओ बहू। जी अम्मा जी। लेडी का तेल लेती आ। जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी तिन तैसी। मम्मी आ गया बेटा, मिल गया हॉल टिकट? हाँ, अपना भी और पुलकी भैया का भी। अच्छा, भैया कहाँ पर है? वो अपने ट्यूशन टीचर से मिलने गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। और गंगा? उसके मास्टर जी का फोन आया था, उन्होंने बहुत सारा होमवर्क दिया है, वही कर रही है बैठ के। लेकिन मुझे तो खेलना है गंगा के साथ। नहीं बेटा, बहुत सारा होमवर्क दिया है मास्टर जी ने, उसे करने दो, परेशान मत करो। बेटा एक काम कर, ये तेल की शीशी दादी को दे दे। जा। दादी। अरे। दादी, ये लो आपका तेल। अरे मेरा बेटा, तू लेके आया तेल? अरे अरे, खुश रहे, 100 साल जी मेरा लल्ला। स्कूल से आ गया, कुछ खाया? ओ अच्छा, मैं महाराज जी से कह के ना तेरे लिए बढ़िया सा पील का शरबत बनवाती हूँ, है? इसको गरम करना था ना? चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं महाराज जी से कह के इसे गरम कर देती हूँ। यहाँ क्या कर रही है गंगा? मास्टर जी ने तुझे काम दिया था ना? मम्मी बता रही थी तुझे बहुत सारा होमवर्क दिया। हमने वो पूरा कर लिया, वो देखो। गलत? एकदम गलत, जैसा आईने में दिखता है ना, एकदम उल्टा पुल्टा। वैसा? ये कैसे लिखा तूने गंगा? सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। हाँ, एकदम गलत। देखना मास्टर जी बहुत गुस्सा होंगे, सजा भी देंगे तुझे। कहाँ कर हम सागर, बताओ ना। फिर से लिख, और इस बार ठीक से लिखना। फिर से इतना सारा? पर उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, और अम्मा जी का काम भी तो नहीं छोड़ सकते ना, ये तो वो गुस्सा होके सजा दे देंगी। और बापू ने भी कहा था कि अम्मा जी को खुश रखना और उनकी हर बात मानना। अब हम क्या करें साकर? अच्छा ठीक है, तू दादी का काम कर ले, मैं तेरा होमवर्क कर देता हूँ। फिर मास्टर जी भी तुझे पनिश नहीं करेंगे और दादी तुझे डांटेंगे भी नहीं। सच्ची? तुम कर दोगे हमारा काम? हाँ, सिर्फ अल्फाबेट से तो लिखना है। मैं फटाक से कर दूंगा।
कंफ्यूजन है, कौन से राजा ने कौन से साल से लेके कौन से साल तक राज किया, जहांगीर का बेटा कौन, शाहजहां का बेटा कौन, हुमायूं का पिता कौन, कंफ्यूजन है। अब फिर से एबीसीडी पढ़ेगा तू? गंगा का होमवर्क कर रहा हूं। तो वो गंगा को करना चाहिए, तू क्यों कर रहा है? गंगा को कुछ आता ही नहीं, देखो कैसे उल्टा पुल्टा लिखा है। अरे ये तो सच में उल्टा लिखा है। कैसे लिखा है गंगा ने? पता नहीं। लेकिन सागर तेरी राइटिंग अलग है ना गंगा से, अगर टीचर को पता चल गया तो गंगा को डांट पड़ेगी ना। अरे हाँ, मास्टर जी तो झट से पहचान जाएंगे ये गंगा ने नहीं लिखा। अब क्या होगा भैया, गंगा तो दादी का काम कर रही है और दादी उसे छोड़ने वाली ही नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, गंगा को अपने असाइनमेंट खुद करने चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। अरे दादी का काम करने के बाद कर लेगी, पता नहीं कब फ्री होगी वो। तीन बज के 20 मिनट हो गए भैया और 4 बजे मास्टर जी आ जाएंगे। मास्टर जी के आने से पहले अगर हमारा काम कर दे तो अच्छा, नहीं तो बहुत मार खानी पड़ेगी हमें। अब अच्छा लग रहा है ना अम्मा जी? कहाँ जा रही है महारानी? उछली जाएगी तो शाम की पूजा के लिए मेरी फूल माला कौन बनाएगा? मैंने पहले ही कह दिया था कि पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मेरे पूजा पाठ के काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। चल माला बना। भैया पौने 4 हो चुके हैं और गंगा अभी तक नहीं आई। सागर तुमने हमारा काम कर दिया? करने वाला था लेकिन मास्टर जी मेरी हैंडराइटिंग पहचान जाते ना, इसलिए नहीं किया। सागर तो पहले बता देते ना। बोल देता तो भी क्या होता, दादी का काम छोड़ के आती तो डांट पड़ती ना तुझे। हाँ वो तो है, पर अब क्या होगा सागर, मास्टर जी बहुत कड़ी सजा देंगे हमें। तू घबराती क्यों है, कुछ सोचते है ना? हाँ वैसे भी घबराने से कुछ होने नहीं वाला, अब भी टाइम है मास्टर जी के आने में, ट्राई कर शायद तू कंप्लीट कर दे। हाँ भैया एकदम ठीक है ने, चल ये ले। फिर से उल्टा लिख रही है गंगा, ठीक से लिखना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ट्राई तो कर जल्दी। हमने कहा ना नहीं होगा। आज तो मास्टर जी पक्का मारेंगे, बहुत डांटेंगे हमें, इसलिए कहा था नहीं पढ़ना है हमें, पर कोई सुनता नहीं है हमरी। तू भी तो कहा सुन रही, कितनी देर से बोल रहा हूँ, कोशिश तो कर।
अगर अगर गंगा आप कोशिश भी करेगी ना, फिर भी टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगी। आज तो मास्टर जी जान नहीं ले लेंगे हमरी, कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ भी नहीं। चार बजने में 10 मिनट रह गए भैया,